नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ के एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन है फाइव कार्ड्स द 10, ध्यान से पढ़िएगा इनके नाम है ना, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। कौन कौन से कार्ड है? द 10, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, उसके फेस को नीचे करके एक दूसरे के साथ उसको तरीके से मिला दिया जाता है, अच्छे से मिला दिया जाता है। एंड वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रेंडम, और उसमें से एक कार्ड को बाहर निकाला जाता है। तो जब एक कार्ड को बाहर निकाला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहला कंडीशन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, जो बाहर निकला हुआ कार्ड है वो क्वीन है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लेते हैं, पहले पार्ट कर लेते हैं। तो लिखते हैं टोटल कार्ड्स इक्वल टू हमारे पास है फाइव, और नंबर ऑफ क्वीन कितने उसमें, नंबर ऑफ क्वीन हमारे पास है इसमें कितने, एक दो तीन चार पांच, पांच में से एक क्वीन है, तो यहां पे हो गया ये वन। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पीई इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ क्वीन अपॉन में टोटल कार्ड, नंबर ऑफ क्वीन अपॉन में टोटल कार्ड इक्वल टू हो गया वन अपॉन फाइव, और ये हो गया आंसर। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द क्वीन इज ड्राउन, अगर जब ये इस प्रोबेबिलिटी के दौरान जब इस पहले बार पहले कार्ड को निकाल रहे थे उस समय अगर क्वीन ही निकल जाती है और उसको बाहर रख दिया जाता है, पुट असाइड उसको बाहर रख देते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो क्या प्रोबेबिलिटी बच जाती है दैट द सेकेंड कार्ड, जो दूसरा कार्ड पिक्ड किया जाएगा, पिक्ड अप एन एस, वो एस होगा और इसका बी है एक क्वीन और वो क्वीन होगी। तो यहां पे अब हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो अब हमारे पास बचेगा, पहले फाइव था, फाइव में से वन हमने बाहर निकाल लिया तो इक्वल टू हो गया अब हमारे पास फोर। तो अब इसका ए पार्ट देखते हैं, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एस क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एस इक्वल टू है वन, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीई इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन फोर, ये हो गया आंसर। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट है ना, इसी का जो है दूसरे का ये बी पार्ट, ए क्वीन। अब इस वाले इस चार कार्ड में जो है नंबर ऑफ क्वीन कितने हमारे पास, नंबर ऑफ क्वीन की अगर हम बात करते हैं तो अब कितना है, चूंकि क्वीन तो पहले निकल चुकी है, तो जो चार कार्ड बचे हुए हैं उस चार कार्ड में नंबर ऑफ क्वीन कितने हैं, तो जीरो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पीई इक्वल टू जीरो अपॉन फोर इक्वल टू जीरो, और ये हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।